पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेश खाली केस के मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तारी के बाद 29 फरवरी को बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद बाहर आते हुए शेख शाहजहां को देखकर ऐसा लग रहा है कि गिरफ्तारी के बाद भी अकड़ नहीं गई है और शाहजहां का टशन कम होने का नाम नहीं दे रहा। ये गिरफ्तारी इस साल जनवरी में छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में हुई है। कोर्ट ने शेख शाहजहां को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। शेख शाहजहां के वकील राजा भौमिक ने इसको लेकर जानकारी दी है। आज शाहजहां से कौन सा केस में आया था? नजर नौ में आया था और नजर 8 में भी सोन अरेस्ट का प्रेयर था। ठीक है, सोन अरेस्ट प्रेयर अलाउ हो गया और 9 में 14 दिन पुलिस रिमांड मांगा था लेकिन कोर्ट ने 10 दिन अलाउ किया। 10 दिन मांगा किसने था? नजर पुलिस ने। वो जो ऑरेंज मामला हुआ था वो किसने किया था? वो भी शो मोटर नजर का नजर पीएस ने किया। वो एसआई एक एसआई था उसने किया। 10 दिन के बाद फिर आपका रिटर्न होगा? 10 तारीख रिटर्न होगा। शाहजहां की गिरफ्तारी कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संदेश खली मामले में उसका नाम जोड़ने के आदेश के 3 दिन बाद हुई है।